नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे डी न्यूज केवल सच। समस्तीपुर की जनता अपने जनप्रतिनिधि का आज तक ही रही, पर उनके दुख दर्द को देखने आज तक नहीं पहुंचे। जो जनता से मिलने गए उन्होंने कुछ किया भी नहीं। लोग अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं। हमारी टीम दर्द में डूबी पंजाबी कॉलोनी की जनता से मिलने पहुंची, तो क्या सब हुआ आप ही देखिए। हम लोग अभी 3400 रुपया देते हैं सालाना अपने मकान का, और कोई सुविधा नहीं है, न पानी निकासी का सुविधा है, मैंने जो होना चाहिए म्यूनिसपैलिटी टैक्स के नियम के अनुसार कोई सुविधा नहीं है। जबरदस्ती सरकार डंटा के बल पर कहिए जैसे कहिए वो ले देती है। इस मोहल्ला में करीब 30 साल से रहा है, यहाँ सिर्फ जो दिक्कत है नाला बना हुआ है, नाला का पानी निकल कर कहाँ जाएगा उसकी कोई व्यवस्था। क्या हम लोग नरक के जीवन जी रहे हैं? आगे फिर प्रयास कर रहे हैं, गए थे नगर पालिका लेकिन कोई आदमी कुछ नहीं सुने अभी तक। तो हम उच्चतम न्यायालय के शरण में चले गए और उच्चतम न्यायालय ने 4 अक्टूबर को जजमेंट दिया कि 4 महीने के अंदर डीएम ठीक करें। आशा है कि वो ठीक कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा फिर हम हाईकोर्ट जाएंगे। बिका हुआ है कौन? प्रशासन, एसडीओ, डीएम, सब नीचे से ऊपर तक ठेकेदार से पैसा ले लेता है और नहीं बना नाला। जहां अपोज नहीं था, 2 साल पहले नाला बना, घुमा के बना दिया गया और उसमें कमीशन का बंदर बांट हो गया। जितना दूर अवरोध हुआ, जो विरोध करने वाला जनता था, इतना दूर बंद कर दिया गया जो नाला और रोड नहीं बनेगा। हाँ, ऊपर से नीचे तक नगर पालिका में चोर बैठे हुए हैं जो चोरी करके खाते हैं और इतना दूर डिस्टर्ब हुआ। सभी लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब पदाधिकारी है वो पदाधिकारी अपने पावर में रहता है, उसको ये नहीं मालूम है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो हम लोग कितनी बार रिस्पेक्ट और मिलना चाहिए, तो जो व्यवस्था है तो देख ही रहे हैं, ये व्यवस्था है देखिए किस तरह से चल रहा है। है कागजों पे डीएम महोदय जितना सुविधा दे रहे हैं उसके अतिरिक्त धरातल पे कहीं किसी भी जिले में मिल गया, सीधे हम लोग लैंड कर अपने पूरे जिले में कहीं सुविधा नहीं। आपातकालीन स्थिति आया बाढ़ का, कहीं राहत नहीं बटा, सिर्फ कागजों पे बटा होगा, ये होगा पुल बिलवा होगा, क्योंकि इसका कोई ऑडिट होता नहीं है। इसमें विधायक आते, इसमें एमपी आते, एमपी तो शहर में आते नहीं है, वो अपने पिता के वियोग में सबसे वोट लेके चले गए, वापस दोबारा कभी नहीं आए। जल नल में भी यहाँ अभी जो नल चलता है तो पूरे नाले का पानी उसमें आता है, स्वच्छ जल है ही नहीं। अरे पहले सब काम हो जाएगा फिर वोट के बारे में सोचा जाएगा, जो पेंडिंग में जो पड़ा हुआ है उस समस्या का निदान होगा उसके बाद हो ना। अरे पहले काम देखिए ना सरकार, नेता बात की 5 साल के बाद आएगा सरकार ना, जो फिलहाल पेंडिंग में काम है उसको देखिए ना। नहीं उस समय नहीं लगता था ना, पहले नहीं लगता था, 2 साल से ही लगता है। किस कारण पानी लगता है पता है क्या? नाला नहीं बना है यहाँ पे, यहीं पर या अन्य जगह? और जगह नाला यहाँ पे बना ही नहीं है नाला अभी तक। क्या नाम है? वंदना कुमारी। ये वंदना जी हैं और ये देखिए जलकुंभी। मैं तो डर से नहीं गया आगे, बहुत अंदर में पानी है, मैं गिर जाता, कुछ काट लेता, मुझे डर है इसीलिए मैं नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में ये घुट घर गए, पल पल ये लोग मरते हैं यहाँ की जनता, परंतु देखने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर शहर के पौस इलाके में, पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 में। ग्रीन शहर क्लीन शहर का जो दावा था भारत के प्रधानमंत्री का, वह यहाँ झूठा होता साबित हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मानसून आते ही शहर के हरेक गली मोहल्ला चौक चौराहा और घरों में पानी लग गया। श्रीमान, कोई बाढ़ का पानी नहीं लगा, पानी लगा बारिश का पानी। जब भी शहर में कोई काम होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जब मानो सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे नुमाइंदे, किसी ऐसे ठेकेदार के हाथ में काम दे देती है, सड़क निर्माण, नाला निर्माण का, जो जिसके पास कोई सूझबूझ ही नहीं है। आज से 20 वर्ष पहले मुझे ज्ञात है जो समस्तीपुर शहर में एक सड़क होता था, उस सड़क में कम से कम 4 डिवाइडर नाला होता हुआ करता था, परंतु आज ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा नाली बना हुआ है जो यहाँ से पानी जा करके, मतलब नाली में ही पानी रह सकता है, नाली से बाहर नहीं जाता, आउटसोर्सिंग का कोई भी साधन नहीं है, जिस कारण समस्तीपुर शहर के
तमाम इलाके में कम से कम सीने भर पानी लगा हुआ था। अभी भी कुछ ऐसा इलाका है जहां कमर भर पानी है। लोग अपने घरों में रखवाल को वहां रखे हैं 5,000, 6,000, 7,000 महीना पे। ऐसा कई घर है। हमने कई इलाके का तस्वीर दिखाया, लोगों से जाना, वहां के लोगों से पूछा, हर एक लोगों का यही बताना था जो श्रीमान लगता है जिला प्रशासन नींद में है और यहाँ के राजनेता पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। स्वाभाविक है, जब दर्द होगा तो गार्जियन को खोजेंगे ही। हम वोट देकर के नेता को बनाते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, जो समस्तीपुर लोकसभा के सांसद तो आज तक लगता है कहीं नज़र ही नहीं आए अपने संसदीय क्षेत्र में, और विधायक जी तो जस्ट बगल में रहते हैं परंतु बेकार, केवल आवाज़ उठा सकते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है। हमारे पीछे कई लोग हैं यहाँ के प्रताड़ित, दर्द में नहीं कहेंगे, प्रताड़ित लोग हैं यहाँ के। जिला प्रशासन और राजनेताओं से ये सभी प्रताड़ित हैं। इनके घरों में आज भी पानी लगा हुआ है जबकि मानसून खत्म हो चुका है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश पद्दार हुआ। क्या करते हैं सर ये बताइए? मैं तो वैसे रेलवे में था, रिटायर किया हूँ। मेरा मकान नंबर 182 है और बरसात में हमारे अथी में भट्ट होना से ऊपर पानी रहा। MLA साहब को भी टेलीफोन करते थे तो कोई नहीं उठाते थे, जिनको भी करते थे नहीं उठाते थे। हम लोग म्यूनसिपल्टी में जाकर भी एप्लीकेशन दिया, उसका भी कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोग क्या कहें, अब बाल बच्चे के साथ जो भी है पानी लगा हुआ है, फिर डेंगू होगा, बीमारी होगा। म्यूनसिपल्टी टैक्स लेगा टाइमली, नहीं तो हाँ टैक्स लेगा। हम लोग अभी 3400 रुपया देते हैं सालाना अपने मकान का, और कोई सुविधा नहीं है, न पानी निकासी का सुविधा है, मैंने जो होना चाहिए म्यूनसिपल्टी टैक्स के नियम के अनुसार कोई सुविधा नहीं है। जबरदस्ती सरकार डंटा के बल पर कहिए, जैसे कहिए वो ले रहती है, नहीं ले। विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? विरोध किसको? जाकर म्यूनसिपल्टी में जाकर एप्लीकेशन दिया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों को पानी लगा हुआ है, रोड पर कोई क्या करता है कि आयरन गाड़ देता है, गाड़ी घूमने में दिक्कत होती है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो एक रेलवे गुमती से हम लोग परेशान है, और पानी के चलते निकल नहीं पाते हैं, कोई रिक्शा वाला भी नहीं आता है। यह सब बहुत जटिल समस्या है यहाँ, और सरकार अगर नहीं करती है तो फ्री कर दे इसको, हम लोग से टैक्स मत ले, हम लोग अपना समझेंगे। 3400 रुपया कोई एक मकान मालिक देता है, यहाँ कम से कम 600-700 है हमारे ख्याल से मकान, जो आदमी का मकान है सबसे टैक्स ले रही है सरकार, लेकिन काम कुछ नहीं है। क्या सोचा आपने? हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे। आंदोलन पे उतरे हैं। जनाब क्या नाम है आपका? राम नरेश पोदार। सर अब तो पहले नगर पालिका था, अब नगर निगम में हो गया, क्या सुविधा आपको मिल रही है? अभी तक कोई सुविधा नहीं देख रहे हैं। जो पानी नाला की व्यवस्था है तो नाला की व्यवस्था चरमरा गया है, घरे घर पानी प्रवेश कर गया है। 2-3 महीना में हम लोग बहुत मुसीबत का सामना किए हैं। हमारे घर के बगल में भी जो है सो 2 फीट लगभग पानी था, 3 महीना जो है सो पानी में हेल हेल करके जो है सो तैर करके इधर उधर गए हैं। अभी भी समस्या लगभग वही है। वोटर है ना? जी हाँ। वोट दिया है आपने? जी हाँ। विधायक बनाया है? जी हाँ। सांसद बनाया है? जी हाँ। अरे सर कहाँ है वो लोग? कभी नहीं, आज तक कभी नजर नहीं आए हैं। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं हम लोग? क्या हम लोग नरक के जीवन जी रहे हैं? आगे फिर प्रयास कर रहे हैं, गए थे नगर पालिका लेकिन कोई आदमी कुछ नहीं सुने अभी तक। श्रीमान आपका क्या कहना? जी इनका कहना बिल्कुल सही है, पैदल चलने में भी दुर्लभ है, बहु बेटियाँ आती है पैदल आती है और हमेशा पानी लगा रहता है। नाला में थोड़ा सा पानी आता है वो रोड पर ही आ जाता है, चलना फिरना दुर्लभ हो गया है, यही कहना है हमारा। अब ये नाला का निर्माण और इसका रोड का निर्माण भी 1 फीट से ज़्यादा हुआ है, इसलिए इस समस्या से निजात दिलाया जाए। आपका कुछ कहना है क्या, बताएंगे? नहीं सर, लोग तो बोल रहे हैं सब ठीक ही बोल रहे हैं। मेरे घर में भी पानी था और अभी निकला है, और कंटिन्यू पानी जब बारिश आता है तो मेरे घर में पानी आ ही जाता है, छोड़ना भर पानी रहता है। विधायक जी कभी मिलने आए आपसे? नहीं कभी नहीं। सांसद का मुंह कान देखे हैं? नहीं। वोट तो दिए होंगे? जी भैया सबको वोट दिए हैं, सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, परंतु कमर भर पानी में यहाँ की जनता दुख में रही, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया। वोट के समय में केवल हाथ जोड़ करके लोग वोट मांगते हैं और नेता बन जाने के बाद इन लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्या यही कहना है सर? जी बिल्कुल, हमने ये सब परेशानी के कारण उच्चतम न्यायालय के लिए के शरण में गए। इससे पहले भी हमने आवेदन दे रखा है 25 जून को, उसके बाद हमने नहीं होने पर रोड जाम किया था ताजपुर रोड को 6 घंटा, उसके बाद
उन्होंने कुछ मोटर वगैरह लगाया जिससे थोड़ा पानी निकला और अभी भी व्यवस्था आप देख रहे हैं खराब है। जब नहीं सुनवाई हुई, टालमटोल होने लगा, तो हम उच्चतम न्यायालय के शरण में चले गए और उच्चतम न्यायालय ने 4 अक्टूबर को जजमेंट दिया कि 4 महीने के अंदर डीएम ठीक करें। आशा है कि वो ठीक कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा फिर हम हाईकोर्ट जाएंगे। नोटिस कब आपको प्राप्त हुआ है? नोटिस 4 अक्टूबर को जजमेंट हमको प्राप्त हुआ। दायर कब किया था? दायर हमने सितंबर के महीने में किया था। ये आपके पास आया है या जिलाधिकारी के पास भी गया? जिलाधिकारी महोदय के पास कल जाके हमने ज्ञापन उनको दिया। कल वो पहला नगर पालिका सा प्रभार में पद ग्रहण कर रहे थे, नगर निगम में है तो पदभार ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद हमने उनको दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर जांच करवाएंगे और जांच के बाद इसको ठीक करवाएंगे। सभी लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब पदाधिकारी है वो पदाधिकारी अपने पावर में रहता है, उसको ये नहीं मालूम है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है सर, आप जनता हैं, रिस्पेक्ट दीजिएगा। तो हम लोग कितनी बार रिस्पेक्ट है और मिलना चाहिए, तो जो व्यवस्था है तो देख ही रहे हैं, ये व्यवस्था है देखिए किस तरह से चल रहा है, आज से चल रहा है, ये वर्षों से चल रहा है। कुछ लोग हैं जिनका अपना बना बनाया व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हो जाता है काम, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं इस गली में आज से 15 साल पहले भी आता था, तो जो पानी लगा हुआ ऐसा पानी नहीं लगा होता था। ठीक है नहीं लगा, लेकिन उससे ज्यादा व्यवस्था खराब हो गई ना, पानी जो निकासी कैसे होगी बताइए। सुविधा तो बहुत अधिक मिल रहा है आपको अभी। क्या मिल रहा है बताइए? सुविधा मिल रहा है कुछ अभी गिनाइए, आपके जानकारी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। कागजों पे डीएम महोदय जितना सुविधा दे रहे हैं उसके अतिरिक्त धरातल पे कहीं किसी भी जिले में मिल गया, सीधे हम लोग लैंड कर अपने पूरे जिले में कहीं सुविधा नहीं है। आपातकालीन स्थिति आया बाढ़ का, कहीं राहत नहीं बटा, सिर्फ कागजों पे बटा होगा, ये होगा पुल बिलवा होगा, क्योंकि इसका कोई इसका इसका कोई ऑडिट होता नहीं है। जितना माल समेटना है सरकारी अभी समेटते हैं, सरकार के लोग अभी समेटते हैं, क्योंकि इस आपदा के घड़ी में कोई ऑडिट नहीं होता है। तो धरातल पे कहीं नहीं है, कागज पे हो गया होगा ये मानते हैं। कल आपने जिलाधिकारी से जब मिला तो उनकी बातों से क्या लगा, काम होगा या नहीं? काम नहीं होगा तो मैं फिर वापस नाले में जाऊंगा। पीआईएल दायर करने की क्या जरूरत? श्रीमान मैं आपको बता दूं कि 2012 में एक ड्रेनेज के लिए यहाँ के लोगों ने आवेदन दिया था, और जो आज तक 2012 से वो क्या कहते हैं लंबित ही है और कचरे के डब्बा में पड़ा हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ। समस्तीपुर के जो विधायक हैं, तीसरे बार वो विधायक हैं, परंतु 15 साल में उनको कहीं नजर नहीं आया समस्तीपुर के लोगों को क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। यहाँ पर करीब में एक पुल भी बनना है जिसके विषय में केवल उन्होंने बात कहा, केवल बातें उठाई। श्रीमान ऐसा बात उठाने से क्या फायदा जो काम ही न हो, क्या करते? पिछले 22 साल से रेलवे गुमती पर एक अधिकारी हर महीने आते हैं, वो कितना टेम्पो रुका, कितना बस रुका, कितना मोटरसाइकिल रुका, कहाँ कहाँ तैयार करते हैं। जब हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है तो बोले पुल निर्माण में ये सहायता करेगा। 20 साल से वो नोट करके जा रहे हैं, सरकार के पास उसका डाटा भी है 20 साल का, मगर आज तक पुल में कभी नहीं हुआ। जब शोर शराबा होता है आते हैं, मिट्टी जांच कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। रे भैया यहाँ सब्बे बना दो, पुल बनाने की जरूरत नहीं है, हाईवे बना रहे हो तुम, बांध से निकालो हाईवे और यहाँ से 8 फीट का सब्बे बनाओ जैसे बाकी जगह बना है, हाजीपुर में बना है, सोनपुर में बना है, गोरखपुर में बना है, वैसे सब्बे बनाओ, यहाँ की जनता परेशान है। मगर नहीं, गुमती गिरेगा, लोग फंसेंगे। वो अधिकारी नहीं है, वो करने वाले नहीं, वो करता है, कर्मचारी है, वो करके लेके जाते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार सोई हुई है, अधिकारी सोए हुए हैं, जनता दर्द में है। डीआरएम साहब से जब पूछने गए तो डीआरएम साहब बोले हमने अपना पैसा सरकार को जमा कर रखा है, बिहार सरकार जमा नहीं कर रही इसलिए नहीं बन रहा है। इसमें विधायक आते, इसमें एमपी आते, एमपी तो शहर में आते नहीं है, वो अपने पिता के वियोग में सबसे वोट लेके चले गए, वापिस दोबारा कभी नहीं आए इस शहर में। लेकिन कहीं जगह तो देखने को मिला है जो नहीं, वो फीता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए, मरनी में जो मर गए उन पर पुष्पांजलि करने के लिए आते हैं, जिंदा को देखने वाले जिंदा देखने वाले नहीं आए। आप मर जाएंगे तो वो आएंगे देखने, जिंदा को देखने वाला कोई नहीं है। ये प्रिंस राज है, जिंदा को देखने वाला कोई नहीं है, मर गया तो फूल सहानुभूति के लिए आएंगे, बिल्कुल, मतलब फिर वोट चाहिए। हाँ सहानुभूति वोट तो चाहिए उनको, तो धोखे में क्या करेंगे इस बार बताएंगे भैया। हेलो, मैं अमर साहब हेलो साहब है, हाँ एडवोकेट हूँ। अच्छा जी। और पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 में रहता हूँ। ये नाला जो बना है, ये 4 बार ये नाला का अथी हुआ,
टेंडर हुआ है और 4 बार नाला बना है। अच्छा। और नाला आज तक शुद्ध नहीं हुआ ये। अच्छा, शुद्ध मतलब गंगा जल से शुद्ध करना है? शुद्ध नहीं मतलब आगे जो है ये नाला सही से नहीं बना है। ये नाला सही से नहीं बना है, यहाँ बहुत डीप बना हुआ है और आगे जाके ये नाला 1 फीट ऊंचा है। मतलब इंजीनियर नहीं बना, इंजीनियर सही से नहीं बनाया है, जिस कारण जो हर घर में 1 फीट 1.5 फीट पानी लगा हुआ रहता है और यहाँ के परिवार को या हम लोग को जाने में बहुत कठिनाई होती है। और जल नल की बात जो है, हाँ। जल नल में भी यहाँ अभी जो नल चलता है, हाँ। तो पूरे नाला का पानी उसमें आता है। अच्छा। स्वच्छ जल है ही नहीं। अच्छा। और कोई साहब बताइए, आप बताइए क्या कहना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। ऊंचा बोलिए ना, मेरा घर से इधर आइए। हाँ हाँ बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। हाँ अरविंद जी बताइए। पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 का स्थिति ऐसा है कि यहाँ रिक्शा वाला ठेला वाला भी कोई सामान अगर मोटा मोटी अगर अनाजे पिसाना है तो उसके लिए भी आना नहीं चाहता है। गैस सिलेंडर इतना पानी लगा हुआ है, आता है तो 10 रुपया के जगह 20 रुपया मांगता है, 25 के जगह पर 30 मांगता है। मतलब यहाँ उस समय पानी के समय में पैसा का कोई महत्व नहीं है। काम आपको लेना है उस समय जितना पैसा दीजिए अपना काम करवाइए। महंगाई तो चरम पे है, महंगाई तो चरम पे है। अच्छा लगता होगा? अच्छा लगता है, इसीलिए तो कह रहे हैं अच्छा इतना लगता है कि अब इससे ज्यादा क्या कहें। श्रीमान आप वोट देकर के प्रधानमंत्री भी बनाए ना, यहाँ बगल में काम करते तो प्रधानमंत्री क्या करते? प्रधानमंत्री अब विशेष क्या बोले प्रधानमंत्री के ऊपर, क्या बात करते हैं। जब पिता घर में थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो परिवार का हर एक सदस्य विरोध करता है ना। बड़ बुजुर्ग का स्थिति ऐसा है कि पानी लगा हुआ है, पैदल चलने में इतना मतलब दिक्कत हो रहा है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ मतलब गैप है नाली का, ये भी पता नहीं। स्थिति तो ऐसा शहर पूरे शहर मतलब समस्तीपुर का ही है। आइए इधर आइए, आइए इधर आइए, आइए बोला ना। अरे भूख लगा हुआ है? बिल्कुल। कहाँ भूख लगा हुआ, कहते हम क्या बोले तो भूखे नहीं लगा हुआ तू तो। भूख लगा हुआ है, पानी हिलते हिलते तो 6 महीना से परेशान है, तो क्या बोले। वोट दीजिए तो पानी नहीं लेगा, क्या करे। वोट दे दे झेलिएगा ना जी। नेताजी खुद आके देखते हैं, नहीं मतलब समस्या को कोई सुनवाई लेता, हम किससे जा कहने। अरे भाई वो अपने मन से थोड़ी बन गया, बनाया तो आप ही ना। बनाए हम ही बनाए कि समाज बनाया, लेकिन समाज का बात सुनेंगे तब तो। आप नहीं है तो आज अपने अपने जो भी जनप्रतिनिधि उनसे बात किया, समझे साहब हमने वोट देकर जिताया है, आप हमारे लिए क्यों नहीं आए खड़े हुए। बात हो क्या नहीं हुआ थोड़े क्या, तो बात हुआ तो 6 महीना में हुआ पास। कोई पास नहीं हुआ, 6 महीना गया, 2 साल से झल रहा हूँ मैं। क्या कहते हैं नेताजी, बजट आएगा तो नेताजी। इधर है, इधर है। कौन नेताजी? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? डर नहीं हम तो। नेताजी मुंह देख ले कैमरा पर, इधर घूमिए ना। क्या नाम है? मुकेश नाम है। क्या दिक्कत है ये बताइए? पानी के समस्या है, तो तब ना नाला क्लियर करेंगे, कोई चीज अधूरा नाला। भैया इधर आइए, आप भी कुछ बोलिएगा। आइए इधर, आप युवा हैं, आपने बनाया यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनाया, क्या जनप्रतिनिधि से आपको लाभ है ये हमको बताइए। कोई लाभ ही नहीं है, कोई लाभ नहीं। आते हैं जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन आए, सर हम हथिये देख ले भाई। अच्छा। खेल खत्म, इलेक्शन जीत गया चले गए घर। देखते थे ना? कौन देखते हैं? आप लोग भी देखते हुए ना? हा? साल में एक बार दो बार देखे ना? हम तो देखिए रहे हैं, हम तो जब से हैं तब से देख रहे हैं। बनना ही है, क्या ऑप्शन क्या है बताइए आप ही लोग, आप ही बताइए क्या क्या बताया। ऑप्शन नहीं है तो इस ऑप्शन में भी आपको क्या मिलेगा? मर रहे हैं ना, सवारी मरिए रहे हैं। प्लान तो कुछ कर रहे हैं, क्या प्लानिंग करेंगे बताइए। इस बार खेल खत्म है, कोई आदमी वोटिंग नहीं करना है। पंजाबी कॉलोनी नंबर 1 से कोई आदमी वोट नहीं करेंगे, जो जो मेरा पूरा काम हो जाएगा उसके बाद सोचा जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, पूरा काम होने के पहले नहीं, पहले करवा लेंगे उसके बाद अरे पहले सब काम हो जाएगा फिर वोट के बारे में सोचा जाएगा, जो पेंडिंग में जो पड़ा हुआ है उस समस्या का निदान होगा उसके बाद तो ना। पहले नेता बनाएगा तब ना। अरे पहले काम देखिए ना सरकार, नेता बात की 5 साल के बाद आएगा सरकार ना, जो फिलहाल पेंडिंग में काम है उसको देखिए ना। क्या हुआ 6 साल से उनको 10 साल चला रहे हैं, क्या हुआ उनके साथ? कुछ नहीं हो रहा है। किस डिसीजन पे हम पहुंचे, कोई आदमी बताइए आप। सर सर एक पहले काम कीजिए फिर। सर 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 एक मिनट, आप बुजुर्ग हैं, कितने वर्षों से इस मोहल्ला में रह रहे हैं? इस मोहल्ला में करीब 30 साल से रह रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो दिक्कत है, नाला बना हुआ है, नाला का पानी निकल कर कहाँ जाएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वही जल जमाव का समस्या हो जाता है, घर में पानी घुसता है, कहीं पर रोड ऊंचा कर दिया, कहीं नीचे है। पानी निकलने का सुविधा हो जाए है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब बिना सिस्टम का बना हुआ, बिना सिस्टम का बना हुआ। आलोक कुमार झा,
बताए कहाँ घर है? यहीं पर घर है, यही मोहल्ला में। मोहल्ला कौन सा है? पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1। तकलीफ बताइए अपना। तकलीफ तो सारा तकलीफ ही देख रहे हैं, पूरा पानी लगा हुआ है हर गली में, गली गली में पानी लगा हुआ है। आपने जिस 4-5 महीना से लोग त्रस्त है, आना जाना सब रुका हुआ है। जनप्रतिनिधि को अपने दर्द के विषय में बताया? बिल्कुल बताया है, कई बार हम लोग बताए हैं। क्या बोले वो? हाँ होगा 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 होगा, यही सब जवाब मिल रहा है। तो बोले जब मर जाएंगे तब होगा, ये बात बोले? वो सब बोला गया है, सब बोला है एक तरफ से। कई बार रोड भी जाम किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उससे हो रहा। निष्कर्ष पे? कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। अभी हम समझ घूम के देखिए आप कितना। अरे हम देख लिए, इस जल जमाव के प्रक्रिया में हम लगभग मोहल्ला में गए। नाला ही सही नहीं है, नाला का लेवल ही नहीं सही है, जल जमाव तो होगा ही, ऑटोमेटिक है। अब ठीक हो जाएगा? क्या ठीक होगा? जैसे नेता जी बोले हम भी बोलते हैं, अब ठीक हो जाएगा, इस बार जीता दीजिएगा, इस बार हमको फिर वोट दीजिएगा, हम जीत जाएंगे ना। हाँ नहीं नहीं, हम जीत जाएंगे तो फिर है ना बना देंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, समस्तीपुर शहर के कई गलियों का हमने जायजा लिया बारिश के महीने में। मैं भी कमर भर पानी में घुस के गया न्यूज़ बनाने के लिए, लोगों की स्थिति दयनीय है। घर में खाना बनाने के लिए गैस जरूरी है, दूध जरूरी है, गैस ले जाने वाला वेंडर पैसा 150 रुपया 200 रुपया अधिक लेता था, दूध देने वाला 40 रुपये की जगह पर 80 रुपये देता था। और कई लोग ऐसे भी थे जो राशन का सामान नहीं मंगाते थे तो कम से कम केजी पर 5 रुपया उनको दे करके, एक्स्ट्रा दे करके सामान मंगवाना पड़ता था। ऐसी स्थिति समस्तीपुर की थी। और आज इन लोगों ने यहाँ पर एकजुट होकर के मुझे बुलाया, जो आप आकर देखिए हमारी स्थिति क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि समस्तीपुर में यहाँ के लोगों ने सांसद विधायक सब कुछ बनाया, परंतु इनके दर्द में कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ है। और एक बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। बहुत जी इधर हट जाइए तो तनिषा, आइए इधर, यहाँ आइए ना। की नाम भेल? रणधीर सिंह। अच्छा बताओ, वहाँ तकलीफ बताओ वहाँ के। तकलीफ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब एकदम मौज से लेकर के अभी तक पानी में जी रहे हैं। अच्छा जोड़ लीजिए, मौज माह से अभी तक घर में पानी लगा हुआ है। घर तो बहुत ऊंचा है? नहीं, अच्छा पानी में है। रोड पर भी पानी लगा हुआ है, 75 फीट में नाला आज तक नहीं बना, 75 फीट में मात्र नाला आज तक नहीं बना। खुशी होना चाहिए नहीं नाला बना? हाँ हाँ पानी, हाँ खुशी है। नहीं, नहीं क्या मतलब नाला नहीं बना तो जिसके कारण सड़क टूटा नहीं, नहीं बन नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये बात नहीं, नाला इसीलिए नहीं बना कि हम लोग पानी में रहेंगे। वोट देंगे वोट लोग ले लेता है, लेकिन पानी में हमको रहना मजबूरी है। बिका हुआ है कौन? कौन? प्रशासन, SDO, DM सब नीचे से ऊपर तक ठेकेदार से पैसा ले लेता है और नहीं बना नाला। जहां अपोज नहीं था, 2 साल पहले नाला बना, घुमा के बना दिया गया और उसमें कमीशन का बंदर बांट हो गया। जितना दूर अवरोध हुआ, जो विरोध करने वाला जनता था, इतना दूर बंद कर दिया गया जो नाला और रोड नहीं बनेगा। हाँ ऊपर से नीचे तक नगर पालिका में चोर बैठे हुए हैं जो चोरी करके खाते हैं और इतना दूर डिस्टर्ब हुआ। कमीशन का बंदर बांट होता है, अगर कमीशन का बंदर बांट नहीं होता तो जो 2 साल पहले नाला बना है रोड बना है उसका जांच करा करके देख लीजिए, वो टूट गया है ही नहीं, पते नहीं चलता है कि रोड और नाला है। बेचारे शिकायत भी किन से करेंगे जब इनका कहना है जो यहाँ के ऊपर से नीचे तक कहने के बाद विरोध हो जाता है, ठेकेदार के ठेकेदार का दबाव हो जाता है, खतरा होता है, इसीलिए विरोध करना भी लाजमी है। खतरा किस चीज का होता है? इसीलिए कि जान माल की धमकी मिलती है। तो आपको मिला क्या? क्या मिलता है ना, तो क्या मिलता है? वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद को थप्पड़ चला दिया ठेकेदार अपोज करने के कारण, कौन जाएगा खतरा लेने के लिए? ऊपर से प्रशासन मिला हुआ है तो जिसके कारण काम सही नहीं होता, नहीं होता है काम, काम हुआ ही नहीं, बंदर बांट होती है। ये बात सही है, यदि जिला के जिलाधिकारी सही हो, स्वच्छ छवि को हो जाए और ईमानदार हो जाए तो किसी भी जिला का जनता दुख में नहीं रहेगा। ऐसे समस्तीपुर की जनता कम से कम 4 महीने से
कमर भर पानी में डूबी हुई है। घर में पानी है लगा हुआ। लोग अपना दुख कहे तो कहे, किन से कहे, जैसे इन्होंने बताया कि नीचे से ऊपर तक सभी लोग बिका हुआ, यदि विरोध कीजिएगा तो कहीं चांटा लगेगा, नहीं तो ठाए हो जाएगा। यही दुनिया हो गया श्रीमान। दर्द घूटते रहिए, दर्द में घूटते रहिए, माल मारने वाला माल कर मार कर चला जाएगा और आप अपने घर में डूबके रहिए। यही जिंदगी आज की हो गई है। यदि हमारी बातों में सच्चाई है या हमारी बातों से जिला प्रशासन, किसी विधायक, किसी मंत्री या सांसद को रोक लगता है, दर्द होता है, तो धरातल पर आकर जनता के दर्द को सुने और उनके दर्द को खत्म करने का काम करे, अर्थात काम करने का काम करे। अभी आपने दर्द में डूबी जनता का हाल सुना। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।